ये तुम क्या कह रही हो? दानियाल भाई ठीक कह रही हूँ मैं, आप भी सारी रात रोती रही हैं, उनकी तबीयत भी खराब हो गई है। क्या दानियाल भाई प्लीज कुछ करें। बच्चे मैं क्या कर सकता हूँ? दानियाल भाई आप भी बहुत प्यार करती हैं आपसे। दानियाल पागल हो गई हो ये क्या? किससे पूछ के तुम दानियाल से ऐसी बातें करी थी? शर्म नहीं आती? उम्र क्या है तुम्हारी? हाँ तो मैं कौन सा गलत कह रही थी? मैं नहीं बोलूंगी आपके लिए तो और कौन बोलेगा? किसी को फिक्र नहीं है आपकी, अम्मी तक को नहीं है फिक्र। मुझे मुझे किसी की जरूरत नहीं है जोया, तुम हो ना मेरे पास, हम हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन दानियाल भाई से वादा करो तुम आइंदा किसी से मोहब्बत की भीख नहीं मांगोगी, किसी को इस तरह फोन नहीं करोगी, हम काफी हैं एक दूसरे के लिए। जी आपको सॉरी सॉरी। पापा मैं इसलिए आपके पास खुद आई हूं, आप भाभी को समझाएं। इतना बदल गई है वो, लगता ही नहीं कि वो फातिमा आप ही है। फातिमा का कोई कसूर नहीं है बेटा। किसका कसूर है बाबा? जाने क्या क्या इल्जाम लगाती है वो, अब तो वो अब्बू के साथ भी इतनी बदतमीजी करती है, बदनाम कर दिया अब्बू और फुप्पो को। बेटा मैं तुमसे इस मौजू पे बात नहीं कर सकता, क्या सच है क्या झूठ है। I don't want to talk with you। लेकिन बाबा आप भाभी को समझा तो सकते हैं ना, ससुर बाप की जगह पे होता है, और आपको मालूम है उन्होंने हानिया आप ही पर भी इल्जाम लगाए। प्लीज आलिया तुम इन चीजों से दूर रहो, बहुत छोटी हो तुम अभी। लेकिन अब तो अपने घर की हो ना बाबा। मैंने कहा ना तुम बस राहिल और अपने आप पर फोकस करो।